बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक के कैश के साथ गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक परिभाषा लिखने का कार्य कर रही है। यहां भी जब से सरकार बनी है तभी से ये सरकार गिराने की साजिश चल रही है। हर दूसरे महीने सरकार गिर रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाते हैं इस देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। हर 24 घंटे में सरकार गिर रही है इनकी। हर दूसरे महीने हर चुनाव में सरकार गिर रही है। तो इनके बयानों के इनके ट्विटरों को इनके फेसबुक को अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से इनकी षड्यंत्र की बू आपकी दिखाई देगी, महसूस होगी। कामयाब नहीं हो पाए और चीजें आप लोगों के सामने। तो कैश कांड पर यह बयान था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि जब से सरकार हमारी बनी है तब से ही जो राजनीतिक साजिश है वो रची जा रही है और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी भ्रम की स्थिति बनाई जाती है। देश के लोकतंत्र पर यह बड़ा हमला हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से कैश बरामद किए गए बंगाल में उनकी गाड़ी से, उसके बाद से उन्हें रिमांड पर लिया गया है और बीजेपी पर लगातार झारखंड सत्तापक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके तरफ से सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन लगातार इससे बीजेपी इनकार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सीएम हेमंत ने भी इस बात को कहा है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसकी बू आती है और वो चीज़ें परिलक्षित होती हैं बीजेपी के द्वारा, जैसे बाकी राज्यों में भी और देखने को मिला जहां पर सरकार गिराई गई, खरीद फरोख्त की गई। तो इस मसले को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे सत्तापक्ष हो विपक्ष हो उनकी तरफ से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे जो साजिश है वो बीजेपी सरकार गिराने की रच रही है। हालांकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता पकड़ाए हैं कैश के साथ वो खुद बताए कि उन्हें पैसे कहाँ से मिले हैं और इन चीज़ों पर तस्वीर साफ होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई किरदार बीजेपी का नहीं है। खुद ही जो सरकार है वो अंतर विरोधों की सरकार बनी हुई है, कांग्रेस और जेएमएम ने बात नहीं बन पा रही है। रुचि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है और रुचि, जिस तरीके से कांग्रेस का कैश कांड सामने आया है, सियासत गरमाई हुई है और सदन के अंदर भी इस पूरे मसले को लेकर के जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है, बाहर भी देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो रचने की कोशिश जब से सरकार बनी है तब से की जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या कुछ चल रहा है झारखंड की सियासत में? देखिए, कल मुख्यमंत्री जो है वो तमाम जो राजनीतिक हलचले देखी जा रही हैं उस पर वो खुल करके बोले हैं और उनका सीधा आरोप है केंद्र पर कि जो गंदी राजनीति है वो की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है राहुल, वो यह है कि जिस कांग्रेस के विधायक ने 3 विधायकों पर FIR कराया, यह आरोप लगाया कि वह लोटस ऑपरेशन में शामिल थे, कहीं ना कहीं सरकार गिराने की साजिश में थे, वही विधायक वही अनूप सिंह का फोटो जो है वो असम के मुख्यमंत्री के साथ तेजी से वायरल हो रहा है और उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। अनूप सिंह हमारे साथ हैं। अनूप जी, मैंने पहले भी बोल दिया, इसकी जानकारी सीएम साहब और प्रभारी जी दोनों को थी। देखिए, सवाल अब आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक ही उठाने लगे हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सवाल उठाता है, जब तक मेरे लीडरशिप को और मेरे सीएम को मेरे पे भरोसा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ सर, एक चीज अनूप जी, एक चीज जो आपने कहा कि अब आपके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स कई सारे एलिगेशन लग सकते हैं, क्यों ये डर सता रहा है आपको? सर, जो हिंदुस्तान में हो रहा है सभी को डर सता रहा है कि क्या आप सही भी होंगे तब भी आप ठेल दिए जाएंगे। अच्छा, फोटो के संदर्भ में क्या? एक चीज और इसकी जानकारी थी, प्रभारी मेरे मिलने की जानकारी थी।
तो राहुल, अभी विधायक जो अनूप सिंह है उनका कहना है कि फोटो के संदर्भ में जानकारी थी, हालांकि शक के घेरे में जो है मीडिया के घेरे में अनूप सिंह भी आ रहे हैं और उनका आज सुबह ही फुरकान अंसारी जो इरफान अंसारी के पिता हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता रखी थी और आरोप लगाए थे कि कांग्रेस को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जो तीन विधायक थे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आगे चल करके वो एक कदावर नेता के रूप में आते, एक मंत्री पद का की दावेदारी रखते, इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने साइड किया है। हालांकि जो राजनीति, जिस तरह से झारखंड की राजनीति को समझना बेहद ही मुश्किल है, चूंकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं लगातार सदन के बाहर सदन के अंदर वो हंगामा कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक हैं, क्या इस जो राजनीतिक हलचले आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रही हैं, यह माना जा रहा है कि ईडी को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर करके और कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रुचि फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से FIR दर्ज कराने के बाद जब उन पर ही आरोप लगे हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी को इसकी जो जानकारी है वो मौजूद है।